ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनि। प्रिय भक्तगणों, शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से मैं गुरु माँ रुक्मिणी आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर की किस दिशा में किस प्रकार की फोटो लगा के आप धन को अपनी ओर और आकर्षित कर सकते हैं। आपके घर में धन का आगमन बढ़ सकता है, पैसों में वृद्धि होगी, धन आपकी ओर खींच करके आएगा, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिन भी लोगों के घर में धन की कमी है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां आज आपकी टूटने वाली है और माता महालक्ष्मी को अपने घर में सदा के लिए वास कैसे कराना है ये भी आपको जानने को मिलेगा। आप लोग धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये बात जान करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग अपनी डेली इनकम का, मंथली इनकम का कुछ हिस्सा भी हमको पेटीएम के माध्यम से और हमारे बैंक अकाउंट में, जो मंदिर का शनिदेव भगवान का बैंक अकाउंट है, उसमें भी ट्रांसफर करते रहते हैं। कुछ लोग तो रोजाना ही अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भेज रहे हैं, कुछ लोग मंथली भेजते हैं। उन सभी लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब धार्मिक कार्य, धर्म को आगे बढ़ाने के कार्य हम आप ही जैसे लोगों के कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक निवेदन और कर रही हूँ कि आप अपना नाम अवश्य भेजें, गुप्त दान ना करें, नाम अवश्य भेजें, ताकि हम अगले दिन आपके लिए पूजा भी अवश्य कर सकें। जिन भी लोगों ने हमारे इस चैनल को गुरु रजनीश ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बहुत बड़ा परिवार ये बन चुका है यूट्यूब चैनल, तो यदि आप इसके मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल का आइकन भी दबाइए और साथ ही हमारे चैनल पेज पे जाना ना भूलें। समय समय पर आप हमारे चैनल पेज पे जाते रहें ताकि हमारे नई वीडियोज आपको मिलते रहे और उसमें से चुन के आप अपने मन पसंद का वीडियो देख सकें। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। वो ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ एक फोटो लगा देने से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगी, पैसा एक तरीके से उसका फ्लो बढ़ जाएगा, अचानक से पैसा आने लगेगा, जो रुका हुआ पैसा है वो भी आ जाएगा, उसी बारे में आप चर्चा करेंगे। ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाच, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक दिन श्री नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास गए और जाकर के उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ। तो हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि हे नारद, आप जिस नारायण को भजते रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं, वो रहते कहाँ है, उनका पता, उनका एड्रेस बताओ, ताकि हम भगवान को जाकर के सीधा मना ले और कृपा प्राप्त कर ले। नारद जी विष्णु जी से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या मैं ऐसा बता दूं कि जितने भी मंदिर आपके नीचे धरती लोक पर हैं, उन सभी में आप रहते हो। तो भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए। फिर नारद जी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु, जितने भी योगी साधु संन्यासी हैं, आप उनके हृदय में रहते हो। भगवान श्री विष्णु फिर मुस्कुरा दिए। नारद जी ने कहा, फिर तो प्रभु जरूर मैं उनको ये बता देता हूँ कि आप वैकुंठ में रहते हो। भगवान श्री विष्णु ने तब कहा, हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, साधियों के हृदय में रहता हूँ, और ना ही मेरा परमानेंट एड्रेस कोई मंदिर है। मैं तो केवल वहां रहता हूँ जहाँ मिल करके मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान श्री विष्णु का नाम जपते रहो। भगवान के नाम को जहाँ जपा जाता है, भगवान के नाम को जहाँ लिया जाता है, चाहे वो भूल से ही क्यों ना, ईश्वर वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं। अब साथ ही
आपको ये बताना चाहूँ कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आती तो हैं, लेकिन टिकती नहीं। पैसा खूब आता है, लेकिन जब जरूरत है, जब लग रहा है कि चलो अब बचत होने लगी है, तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। ऐसी यदि समस्या आपके साथ भी है तो आज मैं उसका कारण आपको बताने वाली हूँ। यदि आप केवल माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी का वाहन कौन सा है आप जानते हैं? माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार है। और ऐसी लक्ष्मी जो उल्लू पर सवार है, कहते हैं वो उल्लू ही बना करके चली जाती है। तो माता लक्ष्मी को अपने यहाँ कैसे बुलाए और स्थिर कैसे करें? माता लक्ष्मी को हमेशा ही अपने यहाँ विष्णु जी के साथ बुलाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे में गरुड़ देवता पर सवार होकर आती है, विष्णु जी के साथ आती है और सदा ही अपने भक्तों के यहाँ वास करती है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपकी राशि के बारे में। कौन सी राशि को कौन सा फोटो, चित्र या पेंटिंग अपने घर में लगानी चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए, ताकि उनके घर में सौभाग्य की वृद्धि हो, ताकि उनके घर में गुड लक और बढ़े, पैसा और बढ़े, आमदनी और बढ़े, बहुत सारे इनकम के नए सोर्स जुड़े और घर के लोग भी खुशहाल रहे। तो सुख शांति को अट्रैक्ट करने वाली वो पेंटिंग, वो फोटो और दिशा कौन सी है, चलिए जानते हैं। जय शांति। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। नौ रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क कौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश जी, जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शांति। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगी, अपने घर में आपको अपने गुरु का फोटो भी अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में गुरुदेव की कृपा रहती है, उनकी रक्षा होती है। तो बहुत से देवी देवताओं के चित्र आप लगाते होंगे, लेकिन अपने गुरु का फोटो लगाना ना भूलें। अगर आपके गुरु हैं और उनका फोटो अब तक आपने नहीं लगाया, बहुत शुभ दिन आ रहा है दिवाली का, उस पर आप स्थापित कर लें। और यदि गुरु ही नहीं है जीवन में तो गुरु अवश्य बनाएं, किसी को गुरु जरूर माने और उनका फोटो अपने घर में लगाएं। गुरु का जब भी सुबह आप दर्शन करते हैं, गुरु को देखते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस, उनकी जो एनर्जी होती है वो आपको हील करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी बहुत सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है, उसमें कमी लाती है। तो अपनी रक्षा के लिए, जीवन में वृद्धि के लिए अपने गुरु का दर्शन करके सुबह अपने दिन का प्रारंभ करना चाहिए। अब बात करते हैं राशि के अनुसार कौन सी फोटो और किस दिशा में आपको लगानी है। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। अगर आपकी राशि तुला है यानी कि लिब्रा है, तो आपको अपने घर में वृद्धि के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और ज्यादा इनकम बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए और धन को वहां पर टिकाने के लिए कि धन खर्च ना हो, खर्चों में कटौती हो और बढ़ोतरी हो पैसे, ऐसा करने के लिए आप फोटो लगा सकते हैं, कोई पेंटिंग लगा सकते हैं फूलों का, और सफेद फूल हो तो और सुंदर है, मल्टी कलर है तो भी बहुत अच्छा है। आप फूलों का कोई पेंटिंग या कोई फोटो आप लगाएं अपने घर में। इस फोटो को आपने अपने घर के किसी भी पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में दीवार पे आप इसे लगाएं।
इस उपाय को करने के लिए कोई भी शुभ दिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप दिवाली का प्रयोग कर सकते हैं, दिवाली के जो मुहूर्त है उसमें आप इस फोटो को स्थापित कर सकते हैं, होली के दिन भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष की जो भी पूर्णिमा हो उसको आप स्थापित करेंगे तो ये अत्यंत शुभ होगा और शुभ परिणाम आपको अवश्य देगा। और उस दिशा में लगा करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर में सौभाग्य आने लगा है, धन में और बढ़ोतरी हो रही है, लाइफ में और प्रगति हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और जीवन और खुशहाल हो रहा है। लेकिन इस उपाय को करने के बाद भी अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी उतना लाभ अभी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित जानिए कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह बहुत ही खराब है। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जरा जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ, फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा, सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने, तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा। सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने इसे पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा 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 झगड़ा, और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से, जितना भी काम बनते बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का, ये 1 हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे 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 असर दिखाने लगा, तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए सब कुछ, बीमार ठीक हूँ मैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियां देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर, हम सोच भी नहीं सकता था। गुरु माँ कहीं दिखा लूं तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़ाका में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था। गुरु माँ इतना आपने, हम घर में बैठे बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया। गुरु माँ आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ, और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को सुधारने के लिए जो स्क्रीन पर हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली के नंबर आ रहे हैं वहाँ पर आप फोन करें, और फोन करके अपनी जन्म कुंडली मुझसे, हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से या स्वामी राज ऋषि जी से आप अवश्य दिखाएं। हम आपके ग्रहों को देखेंगे, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको फल ही नहीं लेने दे, आप उपाय कर रहे हैं तो भी नहीं लग रहा, या अन्य कोई आप चीज करने कोशिश कर रहे हैं जीवन में तो भी आपको फल नहीं दे रही, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको इतना बुरा प्रभाव दे रहा है? उसका उपाय करेंगे, उसको ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, कोई जादू नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे ठीक से करेंगे तो बिल्कुल प्रभाव आता है। इस सेवा को लेने के लिए हमारे यहाँ एक छोटी सी फीस चार्ज की जाती है, आपको पेटीएम के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से वो फीस हमारे यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फीस है ये आप ही लोगों पर एक तरीके से खर्च की जाती है। जो सामाजिक कार्य हम करते हैं, जो यज्ञ महायज्ञों का आयोजन होता है, जो हम गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हैं, पिछले 8-10 साल से हम ये एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत सी लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। साथ ही जो प्रसाद वितरण होता है गरीबों के बीच में, लंगर सेवा होती है हर मंगलवार हर शनिवार, उसके लिए ये प्रयोग करते हैं। साथ ही हर शुक्रवार को जो मैं यज्ञ करती हूँ आप सभी लोगों के लिए,
जो भी व्यक्ति मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी व्यक्तियों को मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है, अपने हर सब्सक्राइबर के लिए हर शुक्रवार को मैं यज्ञ करती हूँ, उसके लिए भी ये फ्री प्रयोग की जाती है। साथ ही आने वाले समय में जो हम नवग्रह शांति स्थल बनाना चाहते हैं, शक्ति पीठ बनाना चाहते हैं दिल्ली में ही, उसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा। तो जो लोग भी सामर्थ्य हैं, जिनके पास धन है, ईश्वर ने उनको दिया है, ईश्वर उन्हें और दें। लेकिन आप सामर्थ्य हैं यदि तो अवश्य ही 30 लेके अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है, बहुत से लोग कहते हैं गुरुमा हमारे पास 20 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने एक स्वामी जी को बिठाया है जो शनिवार और इतवार को बिल्कुल फ्री आपकी कुंडली देंगे। तो जो लोग बिल्कुल सच में ही गरीब हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करने के लिए और फिर भी वो अपना उपाय जानना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक स्वामी जी को बिठा रखा है। उनकी जो भी खर्चा है वो हम मंदिर की तरफ से देते हैं, लेकिन वो आपकी कुंडली फोन पर फ्री देते हैं। तो आप हमारे यहाँ फोन करके उस बारे में भी पता कर सकते हैं। वो सेवा केवल और केवल आप ही लोगों के लिए, जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए रखी गई है। तो हम तो अपनी तरफ से आप सभी लोगों का पूर्ण सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी को सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके आप सभी के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं और इसी कारण आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है। पूरी दुनिया में 133 देशों से लोग हमारे पास आते हैं और बहुत से लोगों को फायदा भी प्राप्त होता है। आप सभी को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी सदा आपके यहाँ वास करें, आपको आशीर्वाद दें। धन की कमी कभी आपको न सताए और जितना भी आवश्यक है उतना धन आपको प्राप्त होता रहे, ऐसी इस दिवाली में आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।